नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ नाजरीन खान। चलिए रुख करते हैं यूपी की पांच बड़ी खबरों की तरफ। पीलीभीत के बांगनज गांव में एक मादा तेंदुआ शावक के साथ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी। दरअसल टाइगर रिजर्व के जंगल में मौजूद बाघों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वन विभाग के लिए ये अच्छी बात साबित हो सकती है, मगर इससे जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में एक बेरहम टीचर ने दो छात्रों को बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। छात्रों की मां ने बताया कि नमन और अमन दोनों ट्यूशन पढ़ने मिथिलेश के घर गए थे, जहां टीचर ने पोयम न सुनाने पर दोनों की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बेरहम टीचर ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। छात्रों की मां ने बताया कि जब वो पुलिस में शिकायत करने गई तो पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उन पर समझौते का दबाव बना रही थी। मामला मीडिया पर पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया और पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में दीपक अंसारी ने एशियन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन में सिल्वर मेडल हासिल किया, जिसमें दीपक ने 68 किलोग्राम वजन के सीनियर वर्ग में खेलते हुए लगातार 5 राउंड जीते। बता दें कि इससे पहले दीपक नेशनल चैंपियन में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दिल्ली स्थित निवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें राष्ट्रीय हित और प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अजीत जोगी किसी भी राजनेता से ये पहली मुलाकात है। यूपी में दबंगों के हौसले बुलंदी पर है, वो हैवानियत इस सारे हदीये पार कर चुके हैं। ताजा मामला झांसी के राजापुर गांव का है, जहां पर दबंगों ने गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। पीड़ित ने बताया कि जब उसका पति काम पर गया था, तब पड़ोस का एक युवक घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब महिला ने उसका विरोध किया तो युवक ने उसके पेट पे लात मार के तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गया। पीड़िता जब इसकी शिकायत करने थाने पहुंची तो पुलिस ने उसे वहां से चलता कर दिया, जिसके बाद नया की गुहार लगाकर पीड़ित दंपत्ति एसएसपी के कार्यालय पहुंचे, जहां महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एसएसपी ने इस मामले में कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चंद्र नामक व्यक्ति द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है कि उसकी पत्नी को एक व्यक्ति सुनील ने उसको इसके साथ मारपीट की, बदतमीजी की, और संज्ञान में घटना पता आते ही इस पर थानाध्यक्ष को भी निर्दिष्ट किया गया, महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया गया, अग्रिम कार्रवाई कराई गई। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।